YouTube channel of Nutrition Coach. This is me, Javeria Ahmed, clinical nutritionist. Today at Nutrition Coach, we'll be talking about probiotics and intestinal health. Firstly, we'll discuss what are probiotics and prebiotics. Probiotics are live, non-pathogenic bacteria that can be found in our food and dietary supplements and help us to prevent or treat certain diseases or illnesses. Whereas prebiotics are non-digestible substances in our food that help to stimulate the growth of probiotic bacteria. यानी कि प्रोबायोटिक्स खुद लाइव बैक्टीरियाज होते हैं, लाइव ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि हमें हमारी डाइट या फिर डाइटरी सप्लीमेंट से मिल जाते हैं, जबकि प्रीबायोटिक्स कुछ ऐसे फूड सब्सटेंसेस होते हैं जो कि इन प्रोबायोटिक बैक्टीरियाज की ग्रोथ को स्टिम्यूलेट करते हैं। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्या बैक्टीरियाज हमारे लिए हेल्पफुल हो सकते हैं? सो द आंसर इज येस। नॉट ऑल बैक्टीरियल स्पीशीज आर पैथोजेनिक, यानी कि सारे बैक्टीरियाज जो होते हैं वो डिजीज कॉजिंग नहीं होते हैं। कुछ बैक्टीरियाज हमारे लिए हेल्पफुल भी होते हैं जिन्हें हम फ्रेंडली या फिर गुड बैक्टीरियाज बोलते हैं। सून आफ्टर आवर बर्थ द वार्म न्यूट्रिएंट रिच एनवायरनमेंट ऑफ आवर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट इज कॉलोनाइज्ड बाय वैरायटी ऑफ बैक्टीरियल स्पीशीज। ऑलमोस्ट 10 ट्रिलियन बैक्टीरियल सेल्स हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में प्रेजेंट होते हैं और बैक्टीरियल स्पीशीज की कॉम्पोजिशन जो है पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, लेकिन हर पर्सन में इसकी कॉम्पोजिशन कॉन्स्टेंट रहती है अंटिल एंड अनलेस कोई डाइट्री फैक्टर, कोई इलनेस या फिर कोई एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट जो है इनमें चेंजेस ना ले आए। अब हम बात करते हैं कि प्रोबायोटिक्स हमें बेनिफिट्स क्या प्रोवाइड करते हैं। तो प्रोबायोटिक्स सबसे पहले हमारी बॉडी में कुछ इस तरह के सब्सटेंसेस को डीग्रेड करने में हेल्प करते हैं जो कि हमारी बॉडी अच्छी तरह डाइजेस्ट और अच्छी तरह एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, जिनमें कुछ डाइट्री फाइबर्स आ जाते हैं, कुछ रेजिस्टेंट स्टार्चेस आ जाती हैं, इसी तरह कुछ पुअरली एब्जॉर्ब शुगर्स आ जाती हैं। तो एक तो ये इनको डीग्रेड करने में हेल्प करते हैं और बाय प्रोडक्ट के तौर पर कुछ ऐसे विटामिंस और शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं जिनको हमारे सेल्स एनर्जी के तौर पर यूज कर सकते हैं। इसी तरह प्रोबायोटिक्स हमारे बॉडी के इम्यून डिफेंसेस को स्टिम्यूलेट करते हैं, हमारी बॉडी में पैथोजेनिक बैक्टीरिया यानी कि डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया की ओवरग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं। प्रोबायोटिक्स हमारे इंटेस्टिनल वॉल्स के लिए एक बैरियर के तौर पर एक्ट करते हैं कि पैथोजेनिक यानी कि हार्मफुल बैक्टीरिया, बीमारी करवाने वाले बैक्टीरिया हमारे टिश्यूज में एंटर ना हो सके, उनको इन्वेड ना कर सके। तो ये बहुत से गैस्ट्रिक और इंटेस्टिनल डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने में हमारी हेल्प करते हैं, कुछ इन्फेक्शंस और कैंसर्स के रिस्क को कम करते हैं, कुछ एलर्जीज के सिम्टम्स को ऑल्टर और एलिविएट करने में हेल्प करेंगे, लैक्टोज इंटॉलरेंस के केस में उसके सिम्टम्स को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं क्योंकि लैक्टोज की डिग्रेडेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसी तरह बहुत से डायरिया के केसेस को प्रिवेंट करने में ही हेल्प करते हैं, कुछ इन्फेंट्स और चिल्ड्रन में रोटा वायरस इन्फेक्शन की वजह से होने वाले डायरिया की ड्यूरेशन को कम करने में ये हेल्प करते हैं, हॉस्पिटलाइज पेशेंट में इन्फेक्शियस डायरिया की रिकरेंस को ये कम करते हैं, टूरिस्ट जो कि हाई रिस्क एरियाज में फिरते हैं उन्हें ट्रेवलर्स डायरिया हो जाता है तो उसको भी प्रिवेंट करने में हमारी हेल्प करते हैं। इसी तरह कुछ एडल्ट्स और बच्चे जो कि एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट की वजह से डायरिया का शिकार हो जाते हैं तो ये उनको भी ट्रीट करने में हेल्प करते हैं। कुछ इस तरह के इलियोस्टमी और कोलोस्टमी के पेशेंट्स जिनमें सर्जिकली पाउचेस क्रिएट किए गए होते हैं तो उन पाउचेस के इन्फ्लेमेशन यानी कि पाउचाइटिस को प्रिवेंट करने में भी ये हेल्पफुल साबित होते हैं। अगर हम फूड सोर्सेज की बात करें तो प्रोबायोटिक्स हमें फर्मेंटेड फूड से हासिल होते हैं, योगर्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसके अलावा कुछ फर्मेंटेड मिल्क और आइसक्रीम, ओटमील ग्रुएल, केफिर, इसी तरह कुछ फर्मेंटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं, लेकिन सॉफ्ट ड्रिंक्स ओवरऑल एक हेल्दी ऑप्शन नहीं है तो हमें इन्हें अवॉइड करना चाहिए। प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स भी अवेलेबल होते हैं लेकिन क्योंकि इनमें लाइव ऑर्गेनिजम्स यानी कि लाइव बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं तो स्टोरेज कंडीशंस बहुत मैटर करती हैं। हीट, ऑक्सीजन, मॉइस्चर अगर वेरी कर जाए तो बैक्टीरिया का सर्वाइवल रेट या बैक्टीरिया की लाइफ जो है वो कम हो सकती है। तो आपको कोई भी सप्लीमेंट कंज्यूम करने से पहले एक्सपायरी डेट अच्छे से चेक कर लेनी चाहिए। इसी तरह अगर हम प्रीबायोटिक्स के सोर्सेज की बात करें तो कुछ इस तरह के कार्बोहाइड्रेट्स इनके सोर्सेज होते हैं जो कि हमें एस्पेरेगस, चिकरी रूट, अनियन और गार्लिक से मिलते हैं, लेकिन ऐसी चीजें बाय प्रोडक्ट के तौर पर गैस प्रोड्यूस करती हैं तो अगर आप इनका ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ये फ्लैक्चुलेंस करवा सकती हैं। स्वेयरली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स यानी कि ऐसे पेशेंट्स जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा वीक हो, कैंसर, एड्स के केस में, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के केस में, तो ऐसे लोगों को चाहिए कि प्रोबायोटिक्स को थोड़ा अवॉइड करें क्योंकि उनमें इन्फेक्शंस करवा सकते हैं। आपने ये बात का ध्यान रखना है कि प्रोबायोटिक्स कुछ कैंसर्स के रिस्क को जरूर कम करने में हेल्प कर सकते हैं लेकिन अगर कोई पेशेंट कैंसर से सफर कर रहा है तो उसे चाहिए कि इन्हें अवॉइड करें। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो टू बी यूजफुल एंड एजुकेटिव।
If you did, so please give us a thumbs up and subscribe to our channel for more of this content. For a detailed consultation on this topic, you can hire me as a coach on Nutrition Coach app or website. All other details about our platform are displayed below. Thank you for your support. See you in the next one.